इस कहानी की शुरुआत में कुछ शेर एक चीता का पीछा करके उसे मार देते हैं। इस चीते के कुछ बच्चे भी होते हैं जो अब अनाथ हो चुके हैं, और इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रात को जाल पार करके सड़क पर पहुंच जाता है, और तभी सामने से गाड़ी आती है। वो इस बच्चे को देख लेते हैं। इस गाड़ी में जैन नाम का एक बच्चा है और उसके साथ उसके पिता भी हैं। ये दोनों चीते के बच्चे के पास जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। ये जानते हैं कि सड़क पर रात भर कई गाड़ियां आती हैं, और अगर इन्होंने इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ा तो ये किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, इसीलिए ये इसे अपने घर पर ले आते हैं। और अब जैन उस चीते के बच्चे का नाम डूमा रख देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और डूमा अब बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैन अब अपने पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के के साथ डूमा को दौड़ना भी सिखाता है। वो दोनों मोटरसाइकिल पर होते हैं और डूमा उनका पीछा करता है। और एक दिन जैन के पिता कहते हैं कि अब हमें डूमा को उसी जगह छोड़ना होगा जहाँ से हम इसे लाए थे। ये इसका घर नहीं है, इसका असली घर वहीं पर है, ये यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। जैन अपने पिता से कहता है कि ये वाइल्ड नहीं बनना चाहता, ये हमारे साथ रहना चाहता है, और वैसे भी अब चीता बहुत कम बचे हुए हैं। उसके डैड नक्शे पर कुछ जगहों पर निशान लगाते हैं और वो कहते हैं कि इस जगह हमें डूमा मिला था और यहाँ पर आज भी बहुत सारे चीता हैं। ये जगह डूमा के लिए स्वर्ग की तरह है। अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिए जिसलिए वो पैदा हुआ है, तो हमें इसे वहाँ छोड़ना होगा। जैन अपने पिता की बात समझ जाता है और वो इस बात के लिए अग्री हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये डूमा को उस जगह लेकर जाते, जैन के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद जैन की मॉम कहती है कि इस जगह को हमें लीज पर देना होगा और यहाँ से हमें शहर शिफ्ट होना होगा जहाँ पर मैं जॉब करूंगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि जैन ऐसा नहीं चाहता, लेकिन उसकी मॉम जो कह रही है वो ठीक कह रही है। और अब जैन, उसकी मॉम और डूमा तीनों की तीनों शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जैन का स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है, और जब जैन की मॉम जैन को स्कूल से लेने के लिए जाती है तो डूमा भी घर से निकलकर उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है और वो भी स्कूल में पहुंच जाता है। जैन डूमा को देख लेता है, लेकिन जैन का टीचर जैन को क्लास से बाहर नहीं जाने देता, और अगले पल बाहर शोर मचना शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चों ने इस चीता को यानी कि डूमा को देख लिया होता है। डूमा भी अब भागना शुरू कर देता है और जैन अपने डूमा को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में पहुंच जाता है जहां पर कुछ बच्चों से परेशान करना शुरू कर देते हैं। यहां पर डूमा भी होता है और जैसे ही डूमा बाहर आता है वो बच्चे उससे डर जाते हैं। उनके हाथ से पैसे भी गिर जाते हैं जो उन्होंने दूसरों से छीने थे। और अब जैन और डूमा यहाँ से भागना शुरू करते हैं क्योंकि उनके पीछे सिक्योरिटी वाले होते हैं जो डूमा को पकड़ना चाहते हैं। तो ऐसी और भी ऑसम इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लेना।